कैनेडा इमीग्रेशन बैकलॉग 9,18,300 तक घट गया। कुल मिला के 31 दिसंबर 2022 तक IRC विखे 1.97 मिलियन अर्जियां प्रक्रिया अधीन सन। अंत विच कैनेडा इमीग्रेशन बैकलॉग 1 मिलियन तो हेठा आ गया। नवें अपडेट किए IRC डेटा के अनुसार समुचा बैकलॉग हुण घट के 9,18,300 हो गया। इस तो अलावा 1,055 मिलियन अर्जियां ते अजे भी IRCC सेवा म्यारा दे अंदर कार्रवाई की जा रही है। 3 नवंबर दे अंकड़िया तो बाद ए संख्या 1.2 मिलियन तो बढ़ गई है। 30 सितंबर 2022 तो हेठा दिते अनुसार बैकलॉग लगातार घटता जा रहा है। कुल मिला के 1.97 मिलियन अर्जियां सन जिन्हां ते IRCC दे द्वारा कार्रवाई की जा रही सी। ये डेटा अज IRCC द्वारा अपडेट किया गया है। 31 दिसंबर 2022 तक सही है। IRCC मंत्री ने पुष्टि की कि बैकलॉग डेटा सेवा म्यारी डेटा तो वक्खरा है। उदाहरण लई जेकर पति पत्नी स्पोंसरशिप 12 महीनों की प्रोसैसिंग अवधि निश्चित करती है तो यह एक एप्लीकेशन जिस ते 12 महीनों के अंदर प्रक्रिया की जा रही है ये बैकलॉग नहीं है। इसकी बजाय इसनू स्टैंडर्ड प्रोसैसिंग वजो श्रेणीबद्ध किया जाएगा। हालांकि जेकर ये 12 महीनों की सेवा लोड़ा पार करता है तो इसनों बैकलॉग कहा जाता है। ये नोट किया जाना चाहिए है कि IRCC का टीचा सेवा दे म्यारा दे अंदर 80% एप्लीकेशनों पूरा करना है। सो IRCC का मेन मोटिव यही है कि ये बैकलॉग जो है इसनों क्लीयर करना है। जिन्नी भी जल्दी वो कर सकते हैं वो इस बैकलॉग नूं क्लीयर करन दी कोशिश करनगे। वर्क परमिट की गल कर लेंगे। IRCC के अनुसार लगभग 73% वर्क परमिट अर्जियां एमरजेंसी यात्रा लई कैनेडा यूक्रेन के अधिकारा तो हैं। सैकेंड असी गल कर लेंगे हाँ विस्टर अस्थाई निवासी वीजा TRV जां विस्टर वीजा बैकलॉग की। IRCC के अनुसार लगभग 20% अस्थाई निवासी वीजा जां विस्टर वीजा अर्जियां एमरजेंसी यात्रा लई कैनेडा यूक्रेन के अधिकार तो हैं। सो आने वाले समय दे विच कैनेडा इमीग्रेशन दे द्वारा ये बैकलॉग जल्द ही क्लीयर किया जाएगा। अगर ये वीडियो चंगी लगे तो इसनों शेयर लाइक जरूर कर दो अते साडे चैनल नूं भी सबसक्राइब कर दो ताजो असी तुहाडे लई डेली कंटेंट जो अपलोड कर सकीए। मिलते हैं।